चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में उत्पादन के साधन और साधन आय, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड फैक्टर इनकम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को बिना स्किप किए बने रहिए हमारे साथ। उत्पादन के साधन और साधन आय, जो साधन वस्तुओं के उत्पादन में सहायता करते हैं उन्हें उत्पादन के साधन कहा जाता है। इन्हें आगत या इनपुट्स अथवा साधन इनपुट्स भी कहा जाता है, और ये जो कुछ उत्पादित करते हैं उसे निर्गत, आउटपुट या उत्पादन कहा जाता है। उत्पादन के मुख्य चार साधन हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। पहला देखते हैं, अर्थशास्त्र में सभी प्राकृतिक संसाधनों को भूमि कहा जाता है, मतलब जो प्राकृतिक हमें प्रदान की है वह भूमि कह सकते हैं। दूसरा देखते हैं, वे सभी लोग जो आय कमाने की दृष्टि से शारीरिक या मानसिक प्रयास या क्रियाकलाप करते हैं उन्हें श्रम कहा जाता है। उदाहरण के लिए मजदूर, अध्यापक, वकील, तकनीशियन आदि सभी श्रम की श्रेणी में आते हैं। और तीसरा है, धन का वह भाग जिसका प्रयोग और अधिक धन उत्पादन के लिए किया जाता है वह पूंजी कहलाता है। उदाहरण के लिए मशीन, औजार, उपकरण आदि। चौथा, उद्यमी वह होता है जो उद्यम को चलाता है और उत्पादन प्रक्रिया को जारी रखता है। वह उत्पादन के अन्य तीन साधनों को खरीदता है और उनका उत्पादन के लिए संयोजन करता है। मतलब इसका ये हुआ, उद्यमी वह व्यक्ति है जो पूरे उद्यम को चलाता है और वही पूंजी लगाता है, पूंजी के माध्यम से बाकी की चीज़ों को खरीदता है। जैसे यहाँ पे देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल आपको एक चित्र के माध्यम से हम बताएंगे। देखिए यहाँ पे ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर को चलाने वाला एक आदमी बैठा है इसमें, और ये सोचता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। भाई एक उद्यम है, भाई उद्यम में ट्रैक्टर जो चलाने वाला है वो श्रमिक हो गया, और पूंजी से हमने ट्रैक्टर खरीदी, और वो ट्रैक्टर कहाँ चल रही है, भूमि पर चल रही है। तो अगर देखा जाए तो भूमि पे ट्रैक्टर हम चलाते हैं तो वहाँ खेतों में खेती करने काम में आता है, और भी कई काम ले सकते हैं। तो उद्यम तो हो गया हमारा एक तरह से, मान लीजिए खेती का कार्य हो गया, मान लीजिए हम खेती का काम कर रहे हैं तो उसमें चलाने वाला मजदूर हमारा ट्रैक्टर पर बैठा हुआ लड़का हो गया, आदमी हो गया, और पूंजी से हमने क्या खरीदा, ट्रैक्टर खरीदा। और किस पे खेती कर रहे हैं हम, जमीन पे कर रहे हैं, भूमि पे कर रहे हैं। तो ये चार चीज़ों का होना जरूरी होता है उत्पादन के जो साधन होते हैं उसमें, मतलब किसी चीज़ के निर्माण के लिए ये चार चीज़ों का होना जरूरी होता है। अब चलिए साधन आय के बारे में समझते हैं हम। ये तो था उत्पादन के साधन, अब साधन आय क्या होता है चलिए देखते हैं। एक अर्थव्यवस्था में परिवार उत्पादन के साधनों के स्वामी होते हैं। उत्पादन के साधनों के स्वामी उत्पादक उद्यमों को अपनी उत्पादक सेवाएं प्रदान करते हैं और उनके बदले में आय प्राप्त करते हैं। उत्पादन के साधनों के स्वामियों द्वारा अपनी उत्पादक सेवाओं के बदले प्राप्त आय को साधन आय कहा जाता है। उदाहरण के लिए भूमि के स्वामियों के पारिश्रमिक को किराया, लगान कहा जाता है। श्रमिकों के पारिश्रमिक को मजदूरी कहा जाता है। पूंजी के स्वामियों के पारिश्रमिक को ब्याज कहा जाता है और उद्यमियों के आय को लाभ कहा जाता है। इस प्रकार किराया, लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ उत्पादन के साधन की दृष्टि से साधन आय हैं। दूसरी ओर उत्पादन के साधनों के स्वामियों को ये भुगतान फर्मों द्वारा किया जाता है, अतः उत्पादकों की दृष्टि से इन्हें साधन भुगतान कहा जाता है। चलिए अब एक चित्र के माध्यम से इसको समझ लेते हैं हम। देखिए यहाँ जो चित्र नज़र आ रहा है, एक इसमें घर है, पेड़ है, फैक्ट्रियाँ हैं, जहाँ जमीन द्वारा दिया गया लिखा है ऊपर। तो जिनके द्वारा जमीन दिया जाता है उनको क्या दिया जाता है, उसके बदले किराया और लगान दिया जाता है। जैसे खेती लोग जो करते हैं वो लगान देते हैं, और जो फैक्ट्री चला रहे हैं वो किराया देते हैं। जैसे कि मुझे एक फैक्ट्री लगानी है तो किसी से हम फैक्ट्री लेंगे, ज़मीन लेंगे, उसके ऊपर फैक्ट्री बनाएंगे तो उसको हम किराया देंगे। और दूसरे चित्र में जो नज़र आ रहा है आपको दाहिनी तरफ,
श्रमिकों द्वारा दिया गया, मतलब श्रमिकों द्वारा क्या दिया जाता है, अपनी सेवा दी जाता है जिसके जिसके बदले उन्हें मजदूरी मिलती है। जैसे किसान है, खेती का काम करेगा तो उसके बदले उसको मजदूरी दी जाएगी। एक डॉक्टर है, एक शिक्षक है, वो भी अपनी सेवाएं देता है जिसके बदले उसको मजदूरी मिलती है। और जो नीचे नजर आ रहा बाईं तरफ, पूंजी द्वारा दिया गया। अब पूंजी द्वारा दिया गया मतलब कि अगर हम पूंजी किसी से ले रहे हैं, पैसा उधार ले रहे हैं, तो उसको हम देंगे ब्याज, और उस ब्याज पूंजी से हम गाड़ियां खरीदेंगे, मशीनें खरीदेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें खरीदेंगे जो हमारे व्यवसाय में या हमारी फर्मों में उपयोगी होगा। और सबसे आखिरी में नज़र आ रहा है जो दाहिने तरफ नीचे, उद्यमी द्वारा किया गया, मतलब उद्यमी क्या करता है, विचार सोचेगा कि लाभ कैसे कमाया जाए। तो उद्यमी यहाँ पे जो सोचता है, जो भी समझता है, वो लाभ कमाने के लिए सोचेगा और वो इन चित्र में दिखाए गए तीनों चीज़ों का प्रयोग करेगा, तो उससे जो उसको आय होगी तो वहाँ पे उसको लाभ कह सकते हैं। ये था उत्पादन के साधन और साधन आय। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।